ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक विजयी संगठन और अन्य संगठनों द्वारा विंध्य प्रदेश की बहाली को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। विंध्य प्रदेश की बहाली को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के एडवोकेट अरुण सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि छोटे प्रदेशों का निर्माण करने से विकास गति पकड़ता है, इसलिए विंध्य की जनता के लिए, उसके आर्थिक हितों के लिए, उसकी उन्नति के लिए विंध्य प्रदेश की बहाली जरूरी है। विजय संगठन के विजय देव सेना ने विंध्य प्रदेश की मांग को बल देते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन लोगों को रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर पलायन करना पड़ता है। विंध्य प्रदेश का निर्माण करने से विंध्य की जनता को रोजगार मिलेगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्यपाल सिंह ने कहा कि जब तक विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होता, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे। किसान नेता वीरभान सिंह ने विंध्य प्रदेश के किसानों को आह्वान करते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश का निर्माण करने से किसान भी संपन्न होंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुद्दा तो नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि चुनावी मुद्दा है, तो चुनाव होने के बाद भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक विंध्य प्रदेश नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने संकल्प लिया था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, हम आज जनता से कहना चाहते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हो, अपने आर्थिक संसाधन की रक्षा करना चाहते हो, तो जब तक विंध्य प्रदेश का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, भले चाहे चुनाव हो या ना हो। विजय देव सेना, आज तो सांकेतिक धरना था, अगली लड़ाई हमारी विंध्य को लेके 13 जिलों में आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया, जिसमें सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर नहीं हुआ, पन्ना, छतरपुर, दतिया, लड़ाई कब तक जारी रही? ये हमारी लड़ाई, नेताजी जिस प्रकार से लड़ाई जारी किए थे और संकल्प लिया था, उसी प्रकार हम लोगों ने भी, नेताजी के सिपाही हैं, हमने भी संकल्प ले लिया है कि जब तक विंध्य प्रदेश नहीं वापस होगा, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लाठी सहना पड़ेगा तो लाठी सहेंगे, लेकिन अपनी मांग को लेके रहे। क्या नाम है आपको? अरुण प्रताप सिंह, ऑल इंडिया फॉरवर्ड मध्य प्रदेश जनरल सेक्रेटरी।